हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अपने सीएससी की तरफ से जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे तो कुछ दिन में अभी जो पैन कार्ड साइट है कुछ दिक्कत दे रहा था, मेंटेनेंस पे था, तो आज से चालू हो गया। अब यहाँ पे पोर्टल भी कुछ चेंज हुआ है, तो आज मैं नया पैन कार्ड बना के दिखाऊंगा आपको कैसे आपको पैन कार्ड बनाना है। आपके आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू आप, या तो आपकी बायोमेट्रिक के थ्रू, आप कैसे भी अपना पैन कार्ड अपने सीएससी सेंटर से बना सकते हो। तो आपको ओटीपी के थ्रू अब मैं आज बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पे सर्च करेंगे पैन कार्ड। आप देख सकते हो आपकी पैन कार्ड यूटीआई का, आपकी देख सकते हो आपकी आधार ऑनलाइन पे आपको आ रहा है, तो आपकी यूटीआई की आपको इस पर पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन आप देख सकते हो वीएलए यूजर के लिए आपको क्लिक किया, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम ऑलरेडी लॉग इन किए थे, तो दोबारा हमें लॉग इन करना पड़ेगा। तब देख सकते हो वीएलए यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपके यहाँ पे इनका जो यूज़र इंटरफेस यहाँ पे चेंज कर दिया गया, पहले डायरेक्ट लॉग इन होता था, डायरेक्ट लॉग इन नहीं हो पाएगा, आपको अपना ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो आपकी जो यूज़र, आपकी जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होगा या तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना ओटीपी को डाल देंगे। देन यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अपना जो पोर्टल है ऐसे पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको न्यू पैन कार्ड के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे आके आपके एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड, आपकी 49E फॉर्म को आपको सबमिट करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो हमें क्या करना है, दो तरीके से हम बना सकते हैं। आप देख सकते हो फिजिकल मोड और अपना डिजिटल मोड। डिजिटल मोड मोड के हिसाब से आपके यहाँ पे आधार कार्ड पे केवाईसी और आपकी ई साइन दोनों चीज़ हो जाएगा। अगर आप डिजिटल मोड पे बनाओगे तो आपको यहाँ पे कोई फोटो या तो सिग्नेचर आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपके जो आधार कार्ड पे डिटेल्स होगा पूरे डिटेल्स के हिसाब से आपके यहाँ पे उठा लेगा। तो हम डिजिटल मोड पे हम बनाएंगे। तो हम डिजिटल मोड पे सिलेक्ट करके देना आपकी इंस्ट्रक्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आपको देख लेना है। तो आपकी आधार कार्ड पे ओटीपी बेस पे सारे केवाईसी होना है और आपकी साइन भी आपकी ओटीपी बेस पे होगा, तो आपको इस पर ओके कर देना है। देन आप देख सकते हो आपकी जो पैन कार्ड टाइप है या फिर इंडिविजुअल रख देना है। देन आपके पूछा जाएगा आपके वेदर फॉर्म, आपकी डिफरेंट कंट्री, और आपकी यहाँ पे नो कर देना क्योंकि हम अदर कंट्री से नहीं है, इंडियन है, तो हमें यहाँ पे नो रखना है। देन हमें यहाँ पे देख सकते हो आपकी बोथ आपकी फिजिकल कार्ड और ई पैन कार्ड, तो हमें ई पैन कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों पे रखना है। आपकी यहाँ पे देख सकते हो आप ई पैन कार्ड भी यहाँ पे रख सकते हो। तो हम दोनों पे आप बोथ फिजिकल एंड ई पैन कार्ड पे क्लिक करके हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो, तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर आ जाता है, आपको रेफरेंस नंबर को यहाँ पे ले लेना है। देन आपको यहाँ पे नोट करके रखना है, देन आपको ओके कर देना है। देन आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा। देन आपको यहाँ से अपना यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी पूरा डिटेल्स को आपको भरना है। तो यहाँ से मैं पूरा डिटेल्स भर देता हूँ। यहाँ पे आपकी नेम पे श्रीमती या तो श्री कुमारी जो भी आपको लगना है, तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे उठा लेना है। तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे सरनेम आपको डाल देना है, आपकी लास्ट नेम और आपकी फर्स्ट नेम। तो आपकी लास्ट नेम, आपके नेम अगर एक ही सिंगल वर्ड की है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे खाली लास्ट नेम पे आपकी सरनेम है, जो सरनेम पे डाल देना है, फर्स्ट नेम आपको छोड़ देना है। देन यहाँ पे आपकी जो नेम आएगा, आप नेम यहाँ पे देख सकते हो, आपके नेम को आप देख लेना है। आपकी निक नेम अगर कुछ अदर है तो आपको यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे यस नो के ऑप्शन आएगा, तो आपको नो कर देना है। देन आप अपने जेंडर को आप पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देना है। रेजिडेंसी देख सकते हो, तो आपकी जो आधार कार्ड के थ्रू आपकी जितने भी आपकी जो जितने भी अपडेशन होगा आप ऑटोमेटिक उठा लेगा यहाँ पे, तो इसे आपको छोड़ देना है। देन आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर और एज पर आपके आधार कार्ड पे जो नाम होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं अपना नाम और आधार कार्ड नंबर को डाल देता हूँ। तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा अपना आधार कार्ड नंबर को। तो आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर देता हूँ एक बार। देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। देन एज पर आधार कार्ड पे जो नाम होगा आपको नाम को यहाँ पे डाल देना है। देन आपको यहाँ से देख सकते हो आपके नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपके आधार कार्ड के थ्रू सब कुछ यहाँ पे केवाईसी होना है, तो आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आके आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है।
देन मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आपकी जो गेटवे है, आपकी जो CSC वॉलेट से आपकी पेमेंट होना है, तो आपकी यहाँ पे जो CSC वॉलेट का जो पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे पासवर्ड को डाल देना है। देन आपको यहाँ पे वैलिड कर देना है। वैलिड करने के बाद आपके जो पिन होगा वॉलेट पिन, आपको वॉलेट पिन को यहाँ पे डाल देना है। देन आपको यहाँ पे कर देना है। पे करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने की आपकी एक टोकन रेफरेंस नंबर आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। देन आप देख सकते हो आपके टेलीफोन STD कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अपने इंडिया की आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। जो आपकी एरिया कोड होगा आपको एरिया कोड को यहाँ पर डाल देना है। देन आपकी मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी कोड डाल देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना कंट्री सेट करना है, देन अपने एरिया कोड डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को आप देख सकते हो मोबाइल नंबर को। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे चेक कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, देन यहाँ पे अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे फादर नेम को मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे फादर नेम डाल देना है। देन यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो पैन कार्ड पे कैप प्रिंट होकर आना है फादर नेम या तो मदर नेम, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने फादर नेम और मदर नेम में से। तो आपको यहाँ से फादर नेम मदर नेम में से आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो फादर नेम पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बायोमेट्रिक के थ्रू आप यहाँ पे KYC कर सकते हो, या तो OTP के थ्रू आप KYC कर सकते हो। तो आपको OTP पे क्लिक करना है, सबसे आसान तरीका है। तो आपको ओके कर देना है। देन यहाँ पे OTP चला जाएगा, जो कस्टमर की आधार कार्ड पे OTP होगा, आपकी मोबाइल नंबर सेट होगा उस पर OTP जाएगा, आपको OTP को वेरीफाई कर देना है। तो आपके सामने ऐसे पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड OTP तो पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। तो यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। अगर आपकी OTP नहीं आता यहाँ पे रिसेंड करके दोबारा OTP भी सेंड कर सकते हो। आपके OTP डालने के टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्या आप आ जाते हैं, हाउस नंबर, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एड्रेस को एक बार मिला लेना है। देन आपको नीचे आप देख सकते हो ऑफिशियल एड्रेस आपकी नॉट रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे डाल भी सकते हो नहीं भी। देन आपको नीचे की तरफ आना है। देन यहाँ पे देख सकते हो सोर्स ऑफ इनकम आपको पूछा जाएगा, तो आपकी 6 ऑप्शन मिलता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनकम सोर्स को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो इनका नो इनकम के पे, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपकी EO कोड डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होता है। तो आपको EO कोड अपने जो एरिया कोड के हिसाब से आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एरिया कोड के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। देन आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो हिमसेल्फ हर्सेल्फ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपकी वेरिफिकेशन प्लेस, आपकी प्लेस यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे प्लेस, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में हिमसेल्फ हर्सेल्फ रखना है, नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको यहाँ पे मैनपुरी यहाँ पे, तो आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देख सकते हो आपके हिमसेल्फ हर्सेल्फ पे क्लिक करना है, देन नेम ऑटोमेटिक दे देगा। आपकी जो वेरिफिकेशन प्लेस है आपको प्लेस को डाल देना है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड के लिए आप देख सकते हो आपकी आधार कार्ड कॉपी आपको ऑटोमेटिक ले लेगा KYC के थ्रू। देन आपको नीचे की तरफ आना है, करने आपको एक बार पढ़ लेना है देख सकते हो यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी ई साइन पेज पे आपको ले जाया जाएगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, कस्टमर के आपकी यहाँ पे आधार नंबर को आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आधार नंबर को डालने के बाद आप देख सकते हो कि OTP आपके आधार OTP के लिए आपकी OTP का आपको क्लिक करना है। देन आपको वेट करना है, देख सकते हो आपके सामने OTP सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे OTP आएगा, आपको OTP आपको यहाँ पे सबमिट करके टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो हम OTP के लिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे OTP आएगा टर्म एंड कंडीशन के बाद, यहाँ पे टिक करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देन आपके फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने देख सकते हो पूरा आपकी डिटेल्स आ जाएगा। आपकी पैन कार्ड पे जो नेम आ जाएगा, नेम आपको दिख जाएगा, पूरा डिटेल्स आपके सामने ऐसे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड आपके साइन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने कस्टमर को दे सकते हो। देन आपकी जो आपकी सेम डे पे या तो कल की डेट में
आपकी जिस टाइम पे आपने बनाए होंगे आपकी सेम डेट पे आ सकता है, या तो कल की डेट में आपकी जो ई पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड आपकी जो कस्टमर की जो आप कस्टमर की ईमेल आईडी को, ईमेल आईडी पे मेल के थ्रू ई पैन कार्ड आ जाएगा। देन 15 दिन के अंदर पैन कार्ड बन के घर पे आ जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।